हेलो फ्रेंड्स, रात के 12 बज रहे हैं और अभी मैं फ्री हुआ हूँ हर तरह हर चीज़ से। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिनको भी मुझसे जो भी सवाल पूछने, आज मैंने देखा कि दिन में मैं काफ़ी सारी कॉल नहीं उठा पाया, तो मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को मुझसे बात करनी है रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, रात के 12 बजे से 3 बजे तक मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल जग सकता हूँ। तो जिनको मुझसे बात करनी है वो भी मुझसे रात को बात कर सकते हैं। आर्टिस्ट, फैज़ा आर्टिस्ट, जो भी चाहते हैं मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उनको बिल्कुल जवाब दूंगा। जो भी चीज़ें हैं, मैं उनकी लाइफ को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक्टिंग रिलेटेड, मैं उनको स्मूथ बनाने की कोशिश करूँगा, वो किसी भी तरह की हो। अगर वो अपने घर से उनको परमिशन नहीं मिल रही है या कुछ भी है, या वो कहीं पे फ्रॉड में फंस गए हैं, या ऑडिशन कहीं पे ऑडिशन देना चाहते हैं, पोर्टफोलियो के लिए पैसे मांग रहे हैं, आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसे मांग रहे हैं, वो सारी कन्फ्यूजन्स मैं दूर करूँगा। रात के 12 बजे से 3 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ यही करने के लिए आया था शायद। अब मज़ा आ रहा है जीने में और जितने लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा पहुँच पाएगा। हम प्रोडक्शन में, तो हमें पता है कि किन वजह से काम नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल 10 साल स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 साल जी जान से अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। 1 साल अपना तन मन से समर्पित हो जाओ, जिसमें से 2-3 महीने अपने घर पे दो, उसके बाद मुंबई आओ, और मुंबई आने के बाद 2-4-5 महीने में तुम्हारा सब कुछ सेटल हो चुका होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन समर्पित हो जाना 1 साल के लिए, बिल्कुल फ्री हो के आना है। तो ये चीज़ें बताना चाह रहा था मैं। अब आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहली बात कि जो नए आर्टिस्ट फील्ड में आना चाहते हैं, फ्रैंक हैं, बिहेवियर अच्छा है उनका, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उनको लगता है कि मैं बन सकता हूँ, मैं बहुत आराम से बन सकता हूँ, वो सच में बन सकते हैं, तो वो लोग सबसे पहले क्या करो कि जहाँ भी, जिस भी वजह से बंधे हुए हो, जो भी चीज़ तुम्हें रोक रही है, स्टेप बाय स्टेप सोचना शुरू करो कि मैं बन सकता हूँ। विजुलाइज करो कि बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। तुम्हें विजुलाइज होगा, आई प्रॉमिस तुम्हें विजुलाइज होगा दिल से। एक बार फ्री होकर सोचना शुरू करो। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, लिस्ट बनाओ और सोचो कि पहली प्रॉब्लम क्या है, ये फैमिली की ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं जा सकता। आई प्रॉमिस वो प्रॉब्लम निकलेगी। तुम्हारे घर पे भी किसी से बात करके निकल सकती है कि तुम दिल से बात कर लो कि मुझे मेरी लाइफ से 1 साल दे दो, उसके बाद जो बोलोगे आप मैं वो करूँगा। तुम्हारी फैमिली तुमको ज़रूर ऐसा बोलेगी करने के लिए, अगर तुम दिल से बात कर पाते हो, उन्हें अपनी बात से कन्वेंस कर पाते हो। अगर तुम कन्वेंस ही नहीं कर पाते, तुम पहला स्टेप ही नहीं जीत पा रहे हो, क्योंकि जिसके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है वो बंदा एक्टर बन ही नहीं सकता। कन्विंसिंग पावर होनी ही होनी चाहिए। तो वो वहाँ से पहला स्टार्ट होता है कि तुम अपनी पहली प्रॉब्लम से उस एक्टिंग फील्ड में जाने के लिए लड़ाई कैसे करो, कि कैसे, और लड़ाई नहीं करनी है, कन्विंस करना है। तो वो जिस भी तरह की प्रॉब्लम होगी, पहला स्टेप तो ये कि तुम बिल्कुल माइंड से फ्री हो जाओ कि अब 1 साल यही करना है। अब कुछ लोग ऐसा है कि जो कुछ लोगों को दिखाने के लिए बनना चाहते हैं, कि उनको किसी ने कह दिया कि शक्ल देखिए अपनी, तो एक्टर नहीं बन सकता, या ऐसा कुछ भी, तो मुझे उसको दिखाना है सर, मैं इसलिए बनना चाहता हूँ, मैं एक बार उसको दिखाना चाहता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन गई, ऐसे भी लोगों ने फ़ोन किया है, वो इसलिए बनना चाहता है। मैं कहता हूँ किसी को दिखाने के लिए नहीं बन सकते किसी के। अगर कोई भी तुम्हें याद है तो तुम कैसे बन सकते हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो तो बन सकते हो, कि तुम्हें करना है। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, सबसे बड़ा बदला यही है। अगर किसी की बात से दिल टूटा भी है, तो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। तुम सक्सेस हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा बदला है, तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुद दिख जाओगे, खुद दिख जाओगे, उस बारे में सोचने की क्या जरूरत है। और बहुत ज़्यादा सबको खुश रखने के बारे में मत सोचो कि वो मुझसे रूठ गया, वो मुझसे नाराज़ हो गया, मैंने ये फैसला लिया वगैरह, कुछ भी। एकदम फ्री माइंड रहो, तुम सबको खुश रख ही नहीं सकते हो। हाँ, तुम खुश हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हारी छत्र छाया में या तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी खुशी को देखकर खुश रहेंगे। तुम डल रहोगे, डल रहेंगे, तुम अगर खुश होके किसी से बात करोगे हाय कैसे हो, तो सामने वाला भी वैसे ही रिप्लाई देगा। तुम जाके बोलोगे हाय कैसे हो, तो वो भी ऐसा ही रिप्लाई देगा। तो तुम पहले फ्री माइंड हो जाओ, जिंदा दिल बनो, खुश मिजाज बनो, फ्रैंक बनो, बोलो जितना बोल सकते हो, बोलो, खुद से बोलो, घर में अकेले खुद ये चीज़ें करना तो शुरू करो, थोड़ा पागल तो बनो। देखो, आर्टिस्ट बनने के लिए पागल तो बनना पड़ेगा, अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम आर्टिस्ट नहीं बन सकते। हर आर्टिस्ट पागल होता है, थोड़ा सा पागल होना ही पड़ेगा। तो तुम अकेले में पहले बोल कर देखो, तुम चिल्लाए ही नहीं हो तो तुम कैसे एक्टर बनोगे? तुम खुद पे नहीं चीखे, तुम दूसरों पे नहीं चीखे। कुछ लोग बहुत साई हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत साई हैं तो एक्टर कैसे बन सकते हैं? तुमने कभी गाली नहीं दी, तुम एक्टर कैसे बन सकते हो? अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गालियां देना शुरू कर दो, पर तुम अकेले में गालियां देकर देखो कि तुम खुल के बोल भी पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। बहुत से लोग बोल ही नहीं पाते, देखकर देखो गालियां खुल के, बुरा बोल कर देखो, बहुत अच्छा बोल कर देखो, बहुत गंदा बोल कर देखो, हर तरह से करके देखो। एकदम फ्री माइंड रहो, मस्त रहो, जो करना चाहे वो बन जाओ, एकदम प्लेन बुक रहो। कोई स्लेट है, उस पर बहुत सारे लोगों ने घिचपिच कर रखी है स्लेट, जिस पे बच्चे लिखते हैं,
और फिर तुम भी जाके उस पर कुछ घिचपिच कर दो, दिखाई देगा क्या? तो वो सारी घिचपिच हटा दो, एकदम प्लेन हो जाओ, और फिर उस पर लिखो कुछ नया, देखो सब देखेंगे। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बता नहीं पाता हूँ। एक तो वीडियो बनाने का मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने बोला सर बनाओ 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 बनाओ, तो मैंने कहा बना देते हैं। इसलिए मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता कि यहाँ से कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल बिल्ड करना है, बस जो दिल में है वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो मैं तरीके बता रहा हूँ उस तरीकों से शुरुआत की थी सिर्फ 1.5 सालों में मुंबई के अंदर, और मैं इंडस्ट्री के लिए गया भी नहीं था। आज नौवीं ब्रांच में कानपुर में अपनी रनिंग करने आया हूँ। तो इस बात तो वही बस वो ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंबई में 11-12 फ्लैट हैं जिनमें हम आर्टिस्टों को रूम प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सस्ते में, वो मैंने बता रखी है वीडियोज में। लेकिन खुद मैं आज भी चॉल में ही रहता हूँ। वो चाल जो बारिश में टपक रही थी तो मैंने पिन नहीं लगवाई। आराम नहीं चाहिए, अभी मंजिल साफ दिखाई दे रही है। खुद के प्रोडक्शन से पहला वेब सीरीज जो है वो शूट हो रहा है MP में। ये एक बड़ी न्यूज है, सिमारू से है। सिमारू इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, लेकिन 1.5 साल के हिसाब से इट्स अ बिग अचीवमेंट। 60-70 कास्टिंग्स कर चुके हैं हम, इट्स अ बिग अचीवमेंट। एक बड़ी मूवी का भी प्लान बन रहा है, उसका 1.5-2 महीने के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी प्रेस में, तो ज़्यादा चलेगा। अभी मैं कुछ बोलूँगा तो डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं, अच्छा नहीं लगेगा। जो होता रहेगा मैं बताता रहूँगा, और दिल से सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ हमारी बातों को कुछ लोग समझने की कोशिश करो, उनमें से कुछ लोगों के समझने की ज़रूरत है। तो जो जो मैं साबित करना चाह रहा हूँ, जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी मेरी पूरी टीम, वो प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को हम लाकर इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करके दिखा देना चाहते हैं कि इन्होंने सीखा भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 1-2 महीने की या सेल्फ प्रैक्टिस से ये इतना अच्छा कर पा रहे हैं। सक्सेसफुल बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डेप्थ जान चुके होंगे, सब कुछ जान चुके होंगे, जितना नाट्यशास्त्र वाले जानते हैं उतना जान चुके होंगे, बट वो सक्सेसफुल होंगे। वो 1 साल के अंदर अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, और फिर उनकी ऑब्जर्वेशन पावर करते करते और अच्छे बनते जाएंगे। उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे तो और चीज़ें वो खुद से बिल्ड करेंगे, पर किसी के बताए हुए तरीकों को नहीं, फिर वो अपने तरीकों को बिल्ड करेंगे, और जो अपने तरीकों को बिल्ड करता है वही बनता है। नवाज सर किसी क्लास की वजह से नहीं बने हैं। नवाज सर ने मूवीज़ बहुत देखी हैं, उनकी पर्सनल इंटरव्यू में सुना, बहुत बेइंतहा मूवीज़ देखी हैं, उस ऑब्जर्वेशन की वजह से बने हैं। ऑब्जर्वेशन से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और ऑब्जर्वेशन पावर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बढ़ेगी? मेरे हिसाब से चेस खेलने से। और ये बहुत सारे दिग्गजों ने भी कहा है, कोई बात पढ़ के समझ के ही कोई बताता है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, रात को काफ़ी टाइम देता हूँ, सुबह 1 घंटे में गीता पढ़ता ही पढ़ता हूँ, अपने मॉर्निंग रूटीन्स करता हूँ, मेडिटेशन करता ही करता हूँ। कुछ चीज़ें तय कर ली हैं कि ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, बस। तो वो जरूर करना है, इस तरह से सोचना शुरू कर दो, वो सब कुछ होने लगेगा। सिर्फ थॉट प्रोसेस बदलनी है और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें हर चीज़ पता है सबको कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, फिर निरंतर क्यों नहीं रखते हैं? शॉर्टकट के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, अवेयर हो जाओ, और डिस्ट्रैक्ट भी मत हो। हजार बातें मत सुनो, कहीं हजारों लाखों खर्च मत करो। अगर खर्च करके बन रहे हो तो मेरे हिसाब से गड़बड़ कर रहे हो। बिना किसी पैसे के सब कुछ कर सकते हो, बिना किसी पैसे के। पैसे की जरूरत बस इतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ये एक बहुत अच्छी बात है, उतनी ज़रूरत है, उतना होना चाहिए। बहुत सारे पैसे की आवश्यकता शुरू में नहीं होती है। शुरू में तुम मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था, सिर्फ 5,000, वो भी किसी से लिए थे जैसे तैसे, और वो भी वापस कर दिए 10 दिन में। और अभी किसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मस्त है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, बैंक बैलेंस भी नहीं है, लेकिन वो भी बन जाएगा। सब कुछ पैसा ही थोड़ी ना है। ठीक है ठीक है, तो मुझे ख़त्म वतम करने का कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है। बस ठीक है, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कल। ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए, एक्टर बन जाओगे, खुश रहिए।